वेलकम टू एडे आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम एक कलर्ड शीट पर पेंटिंग बनाने वाले हैं। कलर्ड शीट बहुत अच्छी होती है वेस्ट पेपर का यूज़ करने के लिए। तो इसमें मैं पहले वाइट कलर लगा रही हूँ और वाइट कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखती है। कलर में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप कलर में ज़्यादा पानी मिला लेंगे तो फिर जो शीट के नीचे का कलर है ना, वो निखर के आ जाएगा और वाइट कलर बहुत अजीब सा और गंदा सा लगेगा। इसलिए वाइट कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी। तो क्योंकि ये इस शीट का कलर ऑरेंज है, इस वजह से हमें अगर ब्लू कलर ही लगाना है इस पर तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी होगी, ताकि नीचे का कलर जो है वो निकल कर ना आए। अगर आपके पास ऐसी काफ़ी सारी शीट्स बची हुई हैं तो आप उनका यूज़ अच्छी पेंटिंग बनाने में कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको विंडो पेंटिंग भी दिखाऊंगी, जो आप कट पीस जो होते हैं ना, जो शीट को कट करने के बाद बच जाते हैं, उनका यूज़ करेंगे उसमें। हम उसमें यूज़ मैंने मतलब किया है, और मैं ऊपर और नीचे रेड कलर ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो पिंक भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं कलर जो है वो फैलाती जा रही हूँ, उस तरह से हमारा कलर जो है हल्का होता जा रहा है रेड। तो इसमें हम कलर थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे और कलर मिक्सिंग करेंगे। कलर मिक्सिंग की जो बात होती है, पहले मैंने आपको सर्कल शेप में बताई थी पेंटिंग, और अब मैं फ्लैट बता रही हूँ। तो इस तरह से जब आप पेंटिंग करोगे तो आप कोई फिगर वगैरह में कलर कर रहे हो तो उसमें कलर मिक्सिंग में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें हमें कोशिश रखनी है कि बीच का पैटर्न जो है वो वाइट रखा जाए, फिर उसके बाद रेड और फिर ब्लू। मैंने ऊपर जो ब्लू कलर लगाया वो थोड़ा कम लगाया और नीचे मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। इसमें मैं बताऊँगी आप पानी का लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल बिना ज़्यादा मेहनत के, और पेंटिंग में ज़्यादा काम बिना करे भी आप पानी का लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो कलर मिक्सिंग मैंने कर ली थी, अब मैं ब्लैक कलर से एक आइलैंड बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो ब्लू से बना लीजिए, लेकिन ब्लैक ना बेस्ट होता है ऐसी पेंटिंग में, क्योंकि वो दिखता है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है। ट्री को बनाते हुए ये ध्यान रखिए कि उसके जो तार हैं, तार जैसे ना लगे उसके टहनियाँ। तो अब मैं इस ट्री की पत्तियाँ बना रही हूँ। मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, आप चाहे तो पिंक या पर्पल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेड और रेड के साथ ट्री में कुछ स्टोन्स भी देनी होती है, मैं इसके साथ लूँगी ब्लैक कलर की। लेकिन अगर आप चाहे तो ब्राउन कलर की दे सकते हैं, या फिर रेड में हल्का वाइट मिला के उसकी लाइट टोन दे सकते हो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं पेंटिंग। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक टोन दी है इसमें, और अब मैं इसके नीचे एक बेंच बनाऊंगी। तो बेंच बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो बेंच है इसमें बारीक ब्रश से काम करना है। ब्रश को बिल्कुल भी मोटा नहीं चलाना, ब्रश को बारीक चलाना है। और अगर आपको ब्रश से करने में दिक्कत आ रही है तो आप पेन से कर सकते हैं, ब्लैक पेन से। और अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो पहले पेंसिल से बना लेंगे हम, फिर कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, जिससे हमारी पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगे, हमारी पेंटिंग अधूरी नहीं लगेगी एक कैरेक्टर और यूज़ करने से इसमें। अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारा पेड़ है ना, उससे कुछ पत्ते गिरते हुए बनाऊंगी। तो इसमें मैंने ब्लैक और रेड दोनों कलर का यूज़ किया है, आप चाहे तो खाली रेड रेड का भी कर सकते हैं। और अब मैं मून बना रही हूँ। तो ये जो मून का कलर है ये डार्क रखना है, डार्क वाइट, और फिर कुछ स्टार्स बना लेने हैं। अगर आप स्टार्स को चमकता हुआ दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से क्रॉस बना लीजिए, इससे लगता है कि जैसे हाथ सच में स्टार्स जो है हमारे चमक रहे हैं। अब हम पानी का लुक क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें सीधी लाइंस खींचनी है, कुछ इस तरह से ब्लैक कलर से सीधी लाइन। इससे क्या होता है कि पानी लगता है कि वो ठहर रहा है, एक जगह रुका हुआ है पानी। फिर लाइन जो है उसकी एक और इस तरह से लाइन खींचेंगे। इससे क्या होता है कि लगता है कि हमारा पानी की जो ऊपरी सतह है ना, वो दिख रही है इसमें। तो पानी देखे, पानी का लुक क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क होगा। अब मैं नीचे भी क्या है, स्टार्स बना रही हूँ, और एक और मून बनाएंगे हम नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
एंड हम क्राफ्टिंग वीडियो भी डालते हैं। और इंस्टाग्राम पर अगर आप कोई वर्क भेजना चाहते हैं तो वो भेजिए, उसे हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।